You know who I am, baby, you know all of my secrets. I'm not your man, but you still want all of the heat, yeah. So much love, I feel lost in. You carry on, cause I've had enough of all of your reasons. You know I'm gonna be right back before you down. Baby, you can take your time, I'll be around. Take your time, I'll be around. Da-da-da, da-da. तो भाई देखो यार, हम आप सबको पता है कि हमारा पुराना पीसी था और आज हम लेकर आ चुके अपनी एक नए पीसी बिल्ड का वीडियो, क्योंकि यार देखो मेरे को नया पीसी बनाना था इसीलिए, और धमाकेदार पीसी होने वाला है ये। और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो को रिकॉर्ड करे हुए। तो चलिए फटाफट से यार देखो कंपोनेंट से अपना वो कराते हैं आपको इंट्रो कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो पहला देखो ये आसुस का GT502 कैबिनेट है भाई, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने कैबिनेट सेलेक्ट किया था। और मतलब देखो ठीक है, साथ में मैं हूँ और लॉयर साहब हैं, हमारे बड़े वाले भाई हैं, तो सारा काम ज़्यादातर लॉयर साहब से ही करवाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अनबॉक्स कर लेते हैं कैबिनेट को और दिखाते हैं आपको इसका लुक, क्या धमाकेदार लुक होने वाला है इसका। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और वैसे मैंने सारी चीज़ें यार अनबॉक्स कर ही ली थी क्योंकि ज़्यादातर सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, अमेज़ॉन से मंगाया है, और कुछ पार्ट्स हैं जो और भी ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाए हैं। तो कैबिनेट का लुक कुछ ऐसा लग रहा है भाई, देखो कितना मस्त लग रहा है। मतलब यार सारे कंपोनेंट्स ना बिल्कुल लेटेस्ट वाले कंपोनेंट्स इसमें यूज़ करे गए हैं, और मतलब सारी चीज़ें लेटेस्ट वाली हैं। कॉर्सेयर का AIO है, मस्त वाला एकदम, और फुल चमक धमक होने वाले भाई, फुल RGB के नशे। और दो किट्स हैं जो ऐसी RGB वाली फैंस की, पर उससे पहले चलो मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं। आसूस की ROG G790F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड है, और भाई एकदम मस्त मदरबोर्ड होने वाली है। 700 सीरीज के जो भी मदरबोर्ड लेटेस्ट, ये 14th Gen वाले CPUs को भी सपोर्ट करेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा खास ऐसा कंटेंट नहीं है जो नॉर्मल सभी सबके साथ में मिलता है, वो सब है इसमें। ये कोई की रिंग है और केबल्स वगैरह हैं, SATA केबल्स हैं, और थोड़ा बहुत थर्मल पैड्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा इसमें। तो ठीक है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब हैं इसके साथ में, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और ये बुकलेट एक छोटी सी, और ये थोड़ी बहुत पैम्पलेट स्टिकर्स वगैरह हैं, और ये वाईफाई का एंटेना है, Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। और वहीं पे हमने यार इंटेल का i7-14700K यूज़ किया है इसमें, मतलब लेटेस्ट जेन का प्रोसेसर है भाई। और मैं ये वीडियो 4 महीने पहले रिकॉर्ड कर लिया था और अब वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी टाइम से वीडियोज़ को रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन एडिट नहीं कर पाया था। और भाई लेटेस्ट जेन का प्रोसेसर यूज़ करने वाले इंटेल का, वहीं पे कॉर्सेयर का डोमिनेटर है, 64GB रैम यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। तो ये भी भाई धमाकेदार होने वाला है पीसी, मतलब फुल तगड़ा सोच लिया है कि यार फ्यूचर प्रूफ रखना अपने को। और ग्राफिक कार्ड, मतलब सारे कंपोनेंट्स लेटेस्ट हैं यार, एकदम धमाकेदार वाले हैं। तो 64GB इसमें रैम हो चुका है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सटेंड करने की, इतना सफिशियंट है मुझे लगता है, मोर देन एनफ है। तो वहीं पे अब बारी है थोड़ा और नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है हमारी 2 NVMe, एक 1TB है और एक 2TB है, दोनों XPG की हैं, Zen 4 NVMe है। और 1TB में हम अपनी विंडो रखेंगे और 2TB में हम रखेंगे अपना डाटा नॉर्मल, जो भी हम जैसे कोई भी गेम या फिर अपना स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, बाकी हार्ड ड्राइव वगैरह कोई हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले। 3 TB जो है मोर देन एनफ लग रहा है मेरे को, और आगे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो मदरबोर्ड में 4 स्लॉट है NVMe के, तो 1-2 NVMe और ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे यार LGA1700 सॉकेट हमने इस्तेमाल किया इसमें, क्योंकि जो मदरबोर्ड में प्री बिल्ट आता है उससे प्रोसेसर बेंडिंग का बहुत इशू चल रहा था, इसीलिए सोचा कि जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट सही, तो ये सॉकेट इसमें यूज़ करेंगे हम। वहीं पे थर्मल पेस्ट है हमारा आर्टिक का MX6, बहुत ज़बरदस्त थर्मल पेस्ट होने वाला है। और वहीं पे यार कॉर्सेयर के लेटेस्ट सीरीज़ के ये फैंस हैं, QX सीरीज़ के। तो चलिए फटाफट से अपना बंडल जो है रेडी कर लेते हैं अभी, ठीक है, और बंडल रेडी हो जाएगा देन उसके बाद में सारी चीज़ें, मतलब एक चीज़ें दिखाएंगे। तो मदरबोर्ड यार ये है और इसमें 4 स्लॉट है NVMe के, सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी है, मतलब हार्ड ड्राइव का और SSD का कोई झमेला ही नहीं है भाई, 4 NVMe लगा दो अपना टेंशन फ्री। तो चलिए फटाफट से यार अपना अब इसका जो सॉकेट है वो लगा लेते हैं। तो जो मदरबोर्ड में आता है उसको हटा रहे हैं अभी,
और फाइनली देखो प्रोसेसर की बारी है, तो प्रोसेसर लगा दिया है भाई। सारा मतलब एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस पीसी बिल्डिंग में, मज़ा आ गया। और अभी सॉकेट इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब बहुत एक बार के लिए डर सा भी लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा पीसी बिल्ड होगा, बट अभी जो फाइनल रिजल्ट आपने देखा स्टार्टिंग में, भाई ज़बरदस्त होने वाला है पीसी एकदम। मतलब परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार है इसका, जो मैंने मतलब चलाया है खुद और पहली बार पीसी बिल्ड किया मैंने कोई, तो भाई एकदम मस्त मज़ा आ गया। तो भाई देखो प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका सक्सेसफुली और NVMe भी डाल दिए। अभी रैम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रैम अभी सिर्फ दो स्लॉट मतलब डुअल स्टिक लिया था, 64 GB है और ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे लगता है आगे, इतना मोर देन एनफ है। अब बारी है AIO के लिए, तो AIO के लिए सॉकेट्स वगैरह जो भी हैं LG 1700 के लिए वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसे फिट करेंगे कैबिनेट में, तो आधा आधा काम कर रहे हैं डिवाइड करके, आधा लॉयर साहब ने किया आधा काम मैं कर रहा हूँ। तो अभी मदरबोर्ड जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, और बाकी कसना है वसना है जो भी थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। और अभी AIO की बारी है जैसा मैंने बोला था, क्योंकि अभी AIO को भी सेट इंस्टॉल करना है इसमें, तो साथ के साथ अनबॉक्स करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। भाई ये भी लेटेस्ट सीरीज़ का AIO है इसमें, जो Corsair का भी बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ आया 2023 में जुलाई के आसपास ये लॉन्च हुए हैं। IQ लिंक सिस्टम हब, पूरा मतलब एक हब होता है उससे हम 14 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और मतलब बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यार ये Corsair ने जो बनाया, एकदम मज़ा आ गया मेरे को तो सच में। तो ये वाला हम AIO यूज़ कर रहे हैं, इसमें H150i IQ लिंक सिस्टम हब के साथ में आता है ये। तो अभी बारी है भाई पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं MSI का 1000 वॉट का, PCIe 5.2 को सपोर्ट करता है, लेटेस्ट पावर सप्लाई है। जो भी लेटेस्ट सीरीज़ के लाइक जैसे 600 वॉट का पावर होता है वो GPU के लिए सेपरेट चाहिए होता है, वो सब केबल्स इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जो भी सारी चीज़ें बेसिक आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो फटाफट से देख लो एक बार, आपको दिखा देते हैं इसका ओवरव्यू कि केबल्स वगैरह क्या क्या हैं, कितने केबल्स हैं। भाई सच में इतना भारी थे बंडल बहुत ज़्यादा। तो अभी मेन क्या है, मेन केबल्स लगा लेते हैं और जी अपना इंस्टॉल करते हैं इसको पावर सप्लाई को। मदरबोर्ड वगैरह हमने सब इंस्टॉल कर लिया, अभी AIO वगैरह रहेगा तो उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो भाई सक्सेसफुली देखो अपना पावर सप्लाई भी इंस्टॉल हो ही चुका है, और अभी मेन टाइम है अपना केबल मैनेजमेंट का, जो भी एक केबल करेंगे केबल्स को कनेक्ट करें, देन इसके बाद में क्या है अब AIO की बारी है, AIO को इंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब यार एकदम ऐसे टास्क लग रहा था मेरे को, एक जैसे कोई मिशन मिल गया है, बट क्या है यार मस्त रहा एकदम एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा रहा है इसमें पीसी बिल्डिंग में। और अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इन फ्यूचर अगर मुझे कोई अपना पीसी बिल्ड करना होगा तो मैं आसानी से बिल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से AIO को हमने इंस्टॉल कर लिया लगभग, बस इसमें थोड़े से ये पेजेस वगैरह जो भी इनको कस देते हैं, और फाइनल हो चुका है। अब थर्मल पेस्ट की बारी है, अब क्योंकि AIO हमने इंस्टॉल कर दिया है तो बस अब CPU के ऊपर AIO को लगाएंगे और PC अपना रेडी करने के बाद में फिर पूरे RGB के नज़े लेंगे भाई। क्योंकि देखो इसमें मैंने एक बोला था ना, कुछ किट्स जो है Corsair की तरफ से अवेलेबल नहीं थी, तो उनको क्या है मैंने अभी बाद में मंगाया है, तो मैंने सोचा था कि पूरे PC बिल्ड का वीडियो एक साथ ही डालूंगा, इसीलिए अभी जो किट्स हैं 6 फैन मैंने बाद में मंगाए हैं और कुछ केबल्स मंगाए थे अलग से, एडिशनल केबल्स भी बहुत महंगे पड़े थे। तो अभी क्या भाई ग्राफिक कार्ड को भी अनबॉक्स कर लेते हैं साथ के साथ। हमने इसमें यूज़ किया ASUS का ROG RTX 4070 Ti और वो भी ओवरक्लॉक एडिशन है भाई, एकदम ज़बरदस्त है भाई। अकेला ये ग्राफिक कार्ड मेरे को 97-98,000 का पड़ा है, तो मतलब समझ रहे हो ना भाई फुल पैसा खर्च किया इस चीज़ में, क्योंकि यार टेंशन हो रही थी पहले वाला जो गेमिंग पीसी था मेरा वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा था मेरे को। प्री बिल्ड ले लिया था मैंने और प्री बिल्ड के यार बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार सारे कंपोनेंट्स अपने आप लगाऊंगा, अपनी चॉइस के लगाऊंगा और एक ज़बरदस्त बीस्ट पीसी बनाऊंगा, जिससे कि मैं मुझे ज़रूरत ही ना पड़े 8-10 साल या जो भी है 3-4-5-6 साल कि कोई पीसी में प्रॉब्लम हो, और मस्त एकदम यार ग्राफिक कार्ड धमाकेदार। आप सब समझ गए होगे यार ROG एक तो अलग से और ऊपर से RTX 4070 Ti ओवरक्लॉक एडिशन, तो भाई ज़बरदस्त होने वाला है। ट्रिपल फैन वाला ग्राफिक कार्ड है लिटरली यार, इतना बड़ा है ये, ईंट होती है ईंट से भी बड़ा है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो भाई अपना PC बिल्ड रेडी हो चुका फाइनल है, और अभी क्या है ये सारी वीडियोस
लास्ट में दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि फैंस हैं ये बाद में इंस्टॉल किए हैं, और फाइनली कैसा आ रहा है बताना है, कैसा लग रहा है वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपसे भाई कोई वीडियो पसंद नहीं होगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कंपोनेंट्स का सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें जो जो कंपोनेंट्स मैंने यूज किए हैं, और सपोर्ट करना यार। बाकी कोई कंपोनेंट परचेज करना हो तो उसमें से परचेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे अनदर वीडियो में, किसी गेमिंग एपिसोड में, क्योंकि ये तो पीसी बिल्ड का मैंने अपना वीडियो था इसीलिए लेके आया। तो बाय बाय एंड टाटा। It's hard to breathe, but that's alright.